हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। जैसे कि आपको पता ही है कि अपना जो सेशन चल रहा है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हम हमारे चैनल पर करवा रहे हैं, क्योंकि आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, राजस्थान से संबंधित, ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन करें प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हम हमारे चैनल पर करवा रहे हैं, ठीक है। तो अभी अपन शुरू करें अपना सेशन, और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। आज का सेशन शुरू करें उससे पहले आप ये देख लीजिए, जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, और जो रह गए हैं उनको भी साथ में मिला लीजिए। जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, चाहे कल्चर से, चाहे हिस्ट्री से, चाहे ज्योग्राफी से, है ना, उससे हम सारे क्वेश्चन आपको क्लियर करवा देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, ठीक है, सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए स्टूडेंट्स, ये टीचर 2014 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहे हैं। देखिए, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। क्यों नहीं है भाई उत्खनन स्थल? मैंने पिछले वीडियो में कितनी बार आपको गणेश्वर सभ्यता से संबंधित करवा दिए हैं, उत्खनन है ना स्थल, सभ्यता है वहां पे, तो ये तो अपना हो जाएगा गलत, ठीक है, ये नहीं हो सकता। कि बेराट एक ग्राम्य संस्कृति के अंदर था, कि बेराट है जो एक ग्रामीण संस्कृति है। चलो आगे देखते हैं अभी क्यों है क्या। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण है, नहीं, कालीबंगा सभ्यता, मैंने आपको कालीबंगा सभ्यता से क्वेश्चन करवा दिए हैं, कालीबंगा जो सभ्यता है ना वो लोह युगीन नहीं है, कांस्य युगीन है, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता है वो, इस बात का भी ध्यान रखना है। अमलानंद घोष ने इसकी करी थी खोज, ठीक है। आहाड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय कौन सा था? ऐसा तांबे को गलाना, हाँ जी, तांबे को गलाना था, तांबर वस्तुएं बनाना, तांबे को गला के तांबे की वस्तुएं वो बना लेंगे, तो ये अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही सुमेलित कौन सा कथन है? ये वाला ही सही है, तांबे की जो आहाड़वासी थे ना, वो वहां पे तांबे गलाने की भट्टियां मिली है अपने को, वहां पे मोहरे मिली है, टेराकोटा पद्धति से पकाई हुई बेल की मूर्ति मिली है जिसको बनासियल बुल कहते हैं, तीन मोहरे मिले हैं यूनान के शासक के वहां पे, उसके मोहरों के ऊपर जो थी मूर्तियां थी या फोटो थी या पंचमार्क था, जो भी था वो उसके अंदर उसमें था, तीन मोहरे भी वहां से मिली है, ठीक है। और इनको यहाँ आहाड़वासियों से हमें ये भी चीजें मिली है कि ये लोग थे ना जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ठीक है, तो यहाँ टेराकोटा पद्धति से मन के पकाते थे, मतलब मिट्टी के छोटे छोटे कोई समझ लो कुछ चीजें होंगी, मिट्टी से बना लेते थे, उन्हें कोई अपना आभूषण बना लेते थे, और जो मन के थे ना उनको क्या करते थे, शव के साथ ही दफना देते थे, ठीक है। दफनाने की प्रक्रिया यहाँ थी, यहाँ पे दाह संस्कार मतलब जलाया नहीं जाता था मृतकों को, उनको दफनाया जाता था, और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसीलिए जो इनके टेराकोटा पद्धति से जो मनके के आभूषण बने हुए थे, शंख पद्धति से जो भी बने हुए थे वो उसके साथ ही दफना देते थे कि इसको अगले जन्म में मिल जाएंगे, ये सब चीजें यहाँ पे थी। चूल्हे मिले हैं यहाँ से, दो मुंह वाले चूल्हे मिले हैं, उसपे हाथ के साक्ष्य मिले हैं, गोरे कोठे मिले हैं अनाज रखने के, याहर सभ्यता की बात कर रही हूँ, सारी चीजें यहीं से मिली हैं, तो ये अपना सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इससे पहले तो कुछ कथन मैंने बोल ही दिए हैं, समझते हैं, चलो इसमें भी और भी कर लेते हैं कि विचार क्या करना है जी। कि आरएस परी के अंदर 2021 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब विचार करने के लिए बोला है तो विचार कर लेते हैं। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, हाँ जी, तांबा गलाना जानते थे, इसीलिए तो वहां पे भट्टियां भी थी उनके, और तांबा गलाना जानते थे और वो उसी से उपकरण बना लेते थे, ठीक है, हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही होगी। ये चावल से परिचित नहीं थे, चावल से परिचित क्यों नहीं थे? चावल तो खूब खाते थे ये वाले आहड़ सभ्यता वाले, चावल तो खूब खाते थे, तो ये लोग चावल से परिचित थे भाई, ठीक है, तो इन्होंने लिख दिया नहीं थे, ये भी गलत हो जाएगा। और दूसरी बात, ये चांदी से परिचित नहीं थे, किससे परिचित नहीं थे? चांदी से नहीं थे, इस बात का ध्यान रखना है। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था भाई, कृषि भी था, पशुपालन था यहाँ पे, और धातु का जो काम करते थे ना ये तांबा गला करके उससे जो उपकरण बनाते थे वो इनकी कृषि अर्थव्यवस्था सॉरी अर्थव्यवस्था का क्या था यहाँ पे उनका साधन था, ये भी बात सही लिखी हुई है। हाँ, अगले पर और विचार करते हैं।
यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। हाँ जी, ये बात सही है। काले और लाल रंग के मृद भांड, काले और लाल रंग के मृद भांड का मतलब है कि मिट्टी के बने हुए बर्तन यहाँ से हमें मिले हैं और उसके ऊपर सफेद कलर से उन्होंने डिजाइन कर दिया। ठीक है, डिजाइन कर दिया तो अपने को हो जाएगा, ए हो गया अपना, सी हो गया और डी हो गया। देखिए ए सी डी किसमें है, ए सी और डी इस दो नंबर ऑप्शन में, यही अपना इन्होंने कहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, दो नंबर हो जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन अपना कि आहार के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा है भाई, सत्य नहीं पूछा है, असत्य किसमें आया, सेकंड ग्रेड टीचर 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछी हुई बात है। देखते हैं कौन कौन से सत्य है, कौन कौन से असत्य है, देख लेते हैं कि मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमें मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आहार के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, पड़ता है। आहारवासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। हाँ जी करते थे। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। हाँ जी होती थी। टेराकोटा पद्धति से पका लेते थे ये ईंटें। इनके पास कौन सी ईंटों की कमी थी, इन्होंने यहाँ लगा दी सारी नीम के अंदर। ये नहीं था कि मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित नहीं थे, ये बेचारे जो काली गंगा वाली सभ्यता वाले थे ना, उनके पास थे। वो गरीब सभ्यता थी, इसीलिए उसको दीनहीन की सभ्यता कहा गया है। बेचारे बस्ती में रहते थे और जैसे ईंटें बनाई, सूर्य की लाइट से पकाई, उसके बाद उसमें घर बना लेते थे, तो कच्ची ईंटें उनके पास थी। आहारवासी भी ग्रामीण सभ्यता होने की वजह से भी कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे। ये टेराकोटा पत्ती मतलब एडवांस थे, काली गंगा वालों से एडवांस थे। ये टेराकोटा पत्ती से पका के ईंटे आराम से अपना घर घर बनाते थे और आराम से मजे से रहते थे। ठीक है, तो ये इसका अपना सही आंसर ये वाला हो जाएगा, ये असत्य है, ये काली गंगा सभ्यता वालों के पास थी। ठीक है, हाँ जी। प्रोफेसर एच डी सांखलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है वह है, सेकंड ग्रेड टीचर साइंस 2010 के अंदर पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। देखिए एच डी सांखलिया, एच डी का पूरा नाम देखिए, क्या क्या नाम है, हंसमुख, हंसमुख दयाल सांखलिया। ठीक है, हंसमुख दयाल सांखलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह कौन सी है, तो सही आंसर हो जाएगा अपना आहड़ ही है। आहड़ का ही किया था इन्होंने सबसे ज्यादा। ठीक है, और सबसे ज्यादा भी पूछा हुआ है कि आहड़ में एक और थे, आरसी अग्रवाल भी थे यहाँ पे। आरसी अग्रवाल ने भी किया था इसके, इनके नेतृत्व में तो ना, इन्होंने हंसमुख साहब ने किया था और हंसमुख साहब ने सबसे ज्यादा आहड़ में काम किया था। ठीक है, आरसी अग्रवाल के नेतृत्व में दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता अमलानंद घोष ने खोज की थी, बीबी लाल और बीके थापर ने यहाँ पे उत्खनन किया था। गणेश्वर सभ्यता में भी आरसी अग्रवाल थे, उत्खननकर्ता भी थे आरसी अग्रवाल यहाँ गणेश्वर सभ्यता में और खोजकर्ता भी थे। बेराट के अंदर, बेराट सभ्यता के अंदर कैलाश दीक्षित के नाम से इन्होंने यहाँ पे खोज और उत्खनन किया है। तो चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना इसके अंदर। हाँ जी, आहार सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित है, कृषि अधिकारी परीक्षा 2013 के अंदर पूछा है। आहार सभ्यता वाले किस किस चीज से जानते थे, वो चांदी के बारे में तो नहीं जानते थे, चांदी के बारे में उनको नहीं ज्ञान था कि चांदी क्या होती है। चावल के बारे में जानते थे ये लोग, चावल चांदी ज्यादा फर्क नहीं है, ध्यान रखना है। चावल के बारे में जानते थे, चांदी के बारे में नहीं जानते थे। मैं लिख देती हूँ, चावल के बारे में जानते थे, जानते थे। ठीक है, कि चावल क्या होता है, खाते थे चावल, टीन का भी नहीं था इनके पास, टीन के बारे में भी नहीं जानते थे। लोहे के बारे में जानते थे, लोहे के बारे में भी जानते थे, सोने के बारे में भी जानते थे, परंतु आहार सभ्यता से प्राप्त उपकरण जो मिलते थे ना, वो उपकरण काम ही इनका यही था, उपकरण ही बनाते थे ये, तो इनका उपकरण बनाते थे ये तांबे से। ठीक है, सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। तांबे से क्या करते थे, उपकरण बनाते थे और तांबा गलाने की यहाँ पे क्या मिली है, भट्टियां मिली है। ठीक है, भट्टियां मिली है यहाँ से। ठीक है, तांबा गलाने की भट्टियां मिली है, तांबा बनाने की भट्टियां गणेश्वर सभ्यता
ताम्र सभ्यता की जननी जिसे कहते हैं वहां से हमें नीम का थाना उसे मिली है कांतली नदी के किनारे से। ठीक है, आहार संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन के अंदर कि किसके बारे में परिचित नहीं थे, तांबे के बारे में परिचित थे, काम ही इनका तांबे को उपकरण बनाने का था, लोहे के बारे में भी परिचित थे, सोने के बारे में भी थे, सोना भी लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, सोने के बारे में भी ये जानते थे कि सोना क्या होता है, चांदी के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, चांदी के बारे में ये क्या करते थे, नहीं जानते थे, चावल के बारे में जानते थे। ठीक है, चावल भी खा लेते थे, गेहूं खाते थे, है ना, गेहूं खाते थे, बाजरा खाते थे। ठीक है, बाजरा खाते थे, जौ भी खाते थे, क्योंकि ये सारी चीजें तो कालीबंगा सभ्यता से मिली गई थी, तो साथ में पड़ोसी ये भी थे, रह लेते थे, पर चावल वो अपने जो कालीबंगा सभ्यता वाले चावल नहीं खाते थे, वो नहीं जानते थे चावल के, वो गेहूं बाजरा जो ही खा के टाइम पास उन्होंने बेचारों ने कर लिया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आहार सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है, आहार सभ्यता के किस अन्य नाम से, मैंने ना आपको ये जो है पहले ही पहली स्लाइड में ही करवा दिए थे, है ना, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर अगर आपने नहीं देखी है तो वो क्वेश्चन देखिए, वहां मैंने ये सारे नाम आपको अच्छे से क्लियर करवा दिए कि कौन कौन से उपनाम से जाना जाता है। ये पूछा हुआ है 2020 के अंदर, देखिए, आहड़पुर के नाम से, आघाटपुर के नाम से, अगछत्रपुर के नाम से, या फिर आगमपुर के नाम से। तो मैंने उपनाम बताए थे आघाटपुर के नाम से, क्योंकि मेवाड़ का पुराना नाम होता था आघाटपुर। और कौन से उपनाम से जाने जाते थे, देखिए और भी देख लीजिए, यहाँ और बता देती हूँ इसको, महा सतियों का टीला, क्योंकि बहुत यहाँ ना लोग जो थे शव को ना दफना देते थे। ठीक है, तो बहुत सारी यहाँ पे क्या लिखे, दफनाए हुए शव मिले हैं यहाँ से, उनके अस्थि पिंजर वगैरह मिले हैं, तो महासतियों का टीला कहते हैं इसको, महासतियों का टीला कहते हैं। ठीक है, बनास नदी के किनारे मिला है, इसीलिए इसको बनास सभ्यता, बनास संस्कृति एक ही बात है ना, ये भी कहते हैं, धूलकोट भी कहते हैं, धूलकोट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं धूलकोट, क्योंकि ये एक मिट्टी के बने हुए टीले के नीचे दबी हुई संस्कृति मिली है, इसीलिए इसको वहां के स्थानीय लोग धूलकोट कह देते हैं। ठीक है, एक ताम्रवृत्ति भी कह देते हैं, ताम्रवृत्ति इसलिए कह देते हैं क्योंकि तांबे के बहुत सारे यहाँ पे उपकरण मिले, बहुत सारी चीजें तांबे की मिली है, बर्तन तांबे के मिले हैं, बिना टोंटी वाले बर्तन मिले हैं तांबे के यहाँ से, दो मुंह वाले चूल्हे मिले हैं यहाँ से, है ना, शव मिले हैं, मनके मिले हैं, टेराकोटा पद्धति से बनासियल बुल की एक मूर्ति मिली है यहाँ से, तीन मोहरें भी मिली है, उससे पता चलता है कि बाहर के लोगों के साथ ये क्या करते थे, व्यापार करते थे, नीले रंग के मूल्यवान पत्थर मिले हैं यहाँ से, बहुत सारी चीजें मिली हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने जो सारे क्वेश्चन है जो मैं बोल रही हूँ वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं, आप अगर आपने वो पहले वाले नहीं देखी है वीडियो तो आप देख लीजिए, आपके और क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी, कनिष्ठ अनुदेशक 2019 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीएन मिश्रा थे, ललित पांडे, या फिर वीएस सिंह। तो अक्षय कीर्ति व्यास थे जो सर्वप्रथम इन्होंने खुदाई की थी, परंतु इन्होंने कितना कुछ ज्यादा काम नहीं किया था, और यहाँ पे देखिए अपने आया हुआ ही क्या ऑप्शन में, वैसे तो खोज की थी इन्होंने, इसकी खोज की थी, खोज की थी, थोड़ी बहुत खुदाई करके भी देख लिया होगा कि यहाँ भी क्या चीजें हैं, कौन सी सभ्यता है, बाद में काम छोड़ दिया होगा। ऑप्शन में अपने पास अक्षय कीर्ति व्यास जी हैं, इसीलिए अपने को इसका ऑप्शन देखना है, नहीं तो अगर विशेष रूप से पूछे उत्खनन किसने किया या खुदाई किसने की, एक ही बात है, तो HD सांखलिया साहब थे जिसमें सबसे ज्यादा खुदाई इन्होंने ही की थी। ठीक है, क्योंकि इसके 8 स्तर में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, तो एक दो स्तर इन्होंने कर दिए होंगे अक्षय कीर्ति व्यास जी ने, और ज्यादा किन्होंने किया था, उत्खनन HD सांखलिया ने किया था, और RC अग्रवाल भी इनके साथ थे उत्खननकर्ता में, 1956 से लेकर के 1961 तक इन्होंने यहाँ पे खोज की थी। तो ऑप्शन में अक्षय कीर्ति व्यास ही है, तो इसीलिए अपने अक्षय कीर्ति व्यास को सही मानेंगे। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से भी देखना है अपने को कि ऑप्शन अपने को कैसा मिल रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि HD सांखलिया नहीं है या फिर दूसरे नहीं है, तो भाई आहार सभ्यता से अक्षय कीर्ति व्यास जी तो संबंधित हैं, तो उनका ऑप्शन देंगे, जैसे ऑप्शन में है वैसे दिमाग दिमाग का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहार संस्कृति के अवशेष मिले हैं? स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आहार संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं हमें? चित्तौड़गढ़ से मिले हैं क्या, बांसवाड़ा से, उदयपुर से, राजसमंद से? देखिए, राजसमंद में कौन सी सभ्यता है? गिलूंड सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? गिलूंड सभ्यता है, ठीक है, राजसमंद के अंदर। चित्तौड़गढ़ में है ना, चित्तौड़ में ये है पिंड पांडलिया, ऐसा कुछ नाम है, पिंड पांडलिया ऐसा कुछ नाम है इसका। बांसवाड़ा से हमें कुछ भी नहीं मिला है, बांसवाड़ा ऐतिहासिक स्थल जरूर है, परंतु बांसवाड़ा से हमें कोई सभ्यता नहीं मिली है। बांसवाड़ा इधर गुजरात में जाते हैं, मालवा जाते हैं, उधर दिल्ली सल्तनत में जाते हैं, तो यहाँ से ऐतिहासिक स्थल है कुछ बांसवाड़ा में, जैसे त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है ना, यहाँ से देख के चले जाते हैं। परंतु ये जब सही आंसर इसका हो जाएगा आहार संस्कृति में उदयपुर, ठीक है, उदयपुर से संबंधित है आहार संस्कृति, बेड़चिया आयड़ नदी के किनारे, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? देखिए, कौन सा पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर पूछा हुआ है कि बनास संस्कृति है। अब देखिए, बेराट कहाँ से संबंधित है? बेराट है कोटपुतली बहरोड से, इसको विराट नगर भी बोलते हैं, क्योंकि जयपुर का पुराना नाम क्या था? विराट नगर था, इसीलिए, ठीक है, विराट नगर। कहाँ? बाणगंगा नदी के किनारे। ये गणेश्वर है भाई, गणेश्वर है, ठीक है, बणेश्वर नहीं, गणेश्वर सभ्यता है, और ये कांतली नदी के किनारे है, कांतली नदी के किनारे, और कहाँ है? नीम के थाने में है। पहले ये कहाँ थी? सीकर में थी, अब नीम के थाने में आ गई। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे है। इसका पतन है जो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं कि भाई भूकंप आया था और इसका पतन हो गया कालीबंगा सभ्यता का। आहार सभ्यता जो है, आहार अपना सही आंसर हो जाएगा आहार सभ्यता, और आहार सभ्यता बनास संस्कृति से संबंधित है, धूलकोट इसको कहा जाता है। इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास जी ने की थी, और इसका उत्खनन जो किया था HD सांकलिया साहब ने किया था। ये मैंने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं, और आपने पूरा अच्छे से डिटेल से इसको देख लीजिए, और पूरा अपना है जो कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि कैसे क्वेश्चन कहाँ से किस तरह से पूछे गए और कौन कौन से एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नई और सीरीज लेके। और बच्चों, हम ये जो सीरीज है अपने चैनल पर बिल्कुल फ्री करवा रहे हैं, ठीक है, कि ऑलरेडी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए बस सिर्फ वही करवा रहे हैं। आप अपनी तैयारी को रेगुलर रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।